हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमने फिर दूसरा एक टॉपिक लेके आया, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर। ये एक्चुअली एक लेडीज स्पेशल है, लेकिन लेडीज स्पेशल बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है ये जेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये जेंट्स लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ रही हूँ दूसरा पॉइंट में, क्योंकि जब भी हम प्रोस्पेक्ट को साथ बात करती हूँ तो प्रोस्पेक्ट बहुत क्वेश्चन करने के बाद, सब सुनने के बाद एक ही बात बोलता है, इसमें कोई गारंटी है। एक्चुअली ये जो गारंटी का वर्ड ये कहाँ से आ रहा है ये मेरा समझ में नहीं आता है। जब तक हमने हमारा बॉडी का मेकानिज्म समझ में नहीं आएगा तब तक ये कंफ्यूज रह जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोस्पेक्ट का दोष नहीं है। ये सप्लीमेंटरी फूड को और मेडिसिन को साथ कंफ्यूज कर देता है। एक्चुअली सप्लीमेंटरी फूड क्या होता है और मेडिसिन क्या होता है ये पूरा अलग ही पावरफुल सब्जेक्ट है, दोनों अलग है। आज हमने थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो सप्लीमेंटरी फूड हमारा बॉडी में क्या काम करता है और मेडिसिन हमारा बॉडी में क्या काम करता है, ठीक है। सपोज़ बॉडी में शुगर हो गया, क्योंकि शुगर सबका बॉडी में ही है, शुगर ही वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए शुगर बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही शुगर जब कम हो जाता है या बढ़ जाता है उसी टाइम बॉडी का जो मेकानिज्म है थोड़ा बिगड़ जाता है, ठीक है। तो बॉडी का शुगर सपोज सबको बढ़ गया, तो ये बॉडी का शुगर कैसे बढ़ जाता है, बॉडी को ये शुगर किसने कंट्रोल करता है? हमारा बॉडी में एक ऑर्गन रहता है जो है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास का जो बीटा सेल है, यही बीटा सेल इंसुलिन नमक का एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यही इंसुलिन जो हार्मोन है, यही हार्मोनों शुगर को मेंटेन करता है। तो इसमें सप्लीमेंटरी का क्या फंक्शन है और मेडिसिन का क्या फंक्शन है? एक्चुअली ये जो शुगर है ये ब्लड में हमारा बॉडी में वो पूरा सर्कुलेट करता है, ये व्हीकल का काम करता है, ठीक है। तो जब कोई गाड़ी में लोड होता है, अगर लोड नॉर्मल रहता है तो रोड में कोई दिक्कत नहीं रहता है, अगर गाड़ी में ओवरलोड हो जाता है तो उसमें दो टाइप से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो ओवरलोड होना ही नहीं देना चाहिए, जो सप्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट जाके वो बीटा सेल को रिपेयर कर देता है। जब ये बीटा सेल रिपेयर हो जाता है उसी टाइम ये इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस करता है, जो हमारा बॉडी का जो डिमांड है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये गाड़ी को ओवरलोड ही करने नहीं देता है। लेकिन मेडिसिन क्या करता है, मेडिसिन भी इमरजेंसी में काम करता है। मेडिसिन क्या करता है, वो ओवरलोड कम नहीं कर पाता है, लेकिन जो गाड़ी ओवरलोड हो चुका तो उसको जो एक्स्ट्रा लोड है वो एक्स्ट्रा लोड वो रास्ता में गिरा देता है। तो ये कंटिन्यू रास्ता में जब गिरा देता है तो उसमें क्या होता है, ये रोड ख़राब हो जाता है, रोड में कोई जगह ज़्यादा स्टोन जम जाता है और नहीं तो वो पूरा गड्ढा बन जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा जे कोई अगर शुगर का मेडिसिन कंटिन्यू ले रहा है तो उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, उसको हार्ट का जो चैनल है चैनल कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। कारण वही है, क्योंकि ये शुगर क्या करता है, ये शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। ये जो मेटफॉर्मिन यूज होता है ये मेटफॉर्मिन कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसलिए मेडिसिन आपका बॉडी में साइलेंट किलर का काम करता है और इन जो सप्लीमेंट है ये सप्लीमेंट आपको बॉडी में साइलेंट हीलर का काम करता है, क्योंकि वो बीटा सेल को ही रिपेयर कर देता है, वो गाड़ी को ओवरलोड ही होने नहीं देता है, ये जड़ में काम करता है और वो ऊपर ऊपर काम करता है, ठीक है। तो यही होता है डिफरेंस। अभी आ रहा है सप्लीमेंटरी का बात कहाँ से आ रहा है, हम लोग तो ठीक से खाना उना खा रहे हैं, जिसका खाना पीने का स्टाइल बिगड़ चुका उसका बात अलग है, लेकिन जो सही सही खाना खा रहे हैं अपना बॉडी को ध्यान दे रहे हैं फिर भी उसका शुगर क्यों हो रहा है, कारण एक ही है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है अभी का जो सिचुएशन है सब कुछ बिगड़ चुका। सपोज हमारा जो खाने पीने का जो प्रोसेस चलता है ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जमीन में हर्बिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, तो ये जो जहर जमीन में यूज़ हो रहा है, जमीन का जो मिनरल्स है ये पूरा ख़त्म हो रहा है। तो हमारा बॉडी में तो मिनरल्स का डिमांड है, तो खाने से अगर मिनरल्स हमको नहीं मिल रहे तो उसी टाइम हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है,
मेन पॉइंट यही है, हमारा बॉडी का जो डिमांड है वो ठीक से पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको यही एक्स्ट्रा सपोर्ट का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, अभी आ रहे हो हम ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का जो एलोवेरी नेक्टर का बात कर रहे हैं, ये नेक्टर में एक्चुअली है क्या, ये नेक्टर में एक्चुअली तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है। इसमें है एलोवेरा जूस, ये एलोवेरा भी एक स्पेशल एलोवेरा है जो बारबाडेंसिस मिलर एलोवेरा बोलता है। ठीक है, ये एलोवेरा का बात आ रहा है तो फिर और एक पॉइंट आ रहा है, क्योंकि एलोवेरा का बात जब भी आता है कोई बोलता है मेरा छत पे है हम एलोवेरा यूज़ करते हो, मैं एलोवेरा का चास करती हूँ, मेरा आंगन में भी है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आ रहा है, ये जो एलोवेरा है ये एलोवेरा एक स्पेशल एलोवेरा है। एलोवेरा अभी तक जो खोज करके निकला 400 से ज़्यादा प्रजाति को अभी तक निकल के सामने आया, साइंटिस्ट लोग सामने लेके आया। ठीक है, तो ये जो 400 से ज़्यादा प्रजाति जो पीसेस मिला है, इसमें नंबर वन होता है ये बारबाडेंसिस का एलोवेरा। ये बारबाडोस द्वीप में पाया गया एलोवेरा, इसमें 100% मेडिसिनल गुण भी है, 100% ये कॉस्मेटिक गुण भी है। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन यही स्पेशल एलोवेरा लेके काम करता है। ठीक है, तो इसमें जो एलोवेरा है बारबाडेंसिस एलोवेरा है वो भी स्टेबलाइज्ड प्रोसेस में डाला हुआ है। ठीक है, स्टेबलाइज्ड फार्मूला ऐसे एक फार्मूला है, ये पेटेंट हो चुका, यही फार्मूला कोई डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या हुआ है, क्या डाला हुआ है, एप्पल जूस, और थर्ड में है इसमें कॉर्नबेरी। फ्रेंड्स, ये है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल का फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर। ठीक है, नेक्टर को दिखाने से पहले हम कुछ सील को क्लियर करना चाहती हूँ। ये कुछ स्पेशल सील डाला हुआ है और इसमें हमारा इंडिया का सील है। एक्चुअली सील के बारे में बोलने का पीछे एक कारण है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 170 प्लस देश में सेम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो 170 प्लस देश का सर्टिफिकेट तो है, ऊपर से एक स्पेशल सर्टिफिकेट इसमें मिला हुआ है। ये सब सर्टिफिकेट कौन सा प्रोडक्ट में मिलता है एक बार आप लोग गूगल सर्च करिए, तब पता चलेगा क्या है एम हलाल, क्या है कोशर रेटिंग, क्या है एलो साइंस। ये सब सील एक बार आप गूगल सर्च करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा प्रोडक्ट में ये सब स्पेशल सील मिला हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत टेस्ट को, बहुत टेस्ट होता है, 300 से ज़्यादा टेस्टिंग को बाद ये हमारा हाथ में आता है। ठीक है, अभी आ रही हूँ, ये जो नेक्टर है एलोवेरी नेक्टर, इसमें तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है, पहले ही बताया, इसमें बारबाडेंसिस मिलर का स्टेबलाइज्ड किया हुआ एलोवेरा है, एप्पल जूस है और कॉर्नबेरी है। ये बहुत ही टेस्टी प्रोडक्ट है और ये सब मिलाने का कारण ये बहुत ही एक पावरफुल प्रोडक्ट हो गया। ये मेरा बहुत ही फेवरेट ड्रिंक्स है, अभी इसको हम दिखाना चाहती हूँ, इसको कलर भी कैसे है, ये थोड़ा खट्टा मीठा टाइप का है, बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है और बहुत ही पावरफुल ड्रिंक्स है ये। फ्रेंड्स, एलोवेरा नेक्टर में जो तीन चीज़ मिला हुआ है, फर्स्ट आ रहा है एलोवेरा, तो एलोवेरा में क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसमें 12 टाइप का विटामिन मिलता है, 20 टाइप्स का मिनरल्स पाया जाता है, 18 टाइप्स का अमीनो एसिड, 9 टाइप्स का एंजाइम, 13 टाइप्स का एंटी प्रॉपर्टीज, 75 टाइप्स का न्यूट्रिएंट और 200 टाइप्स का माइक्रो न्यूट्रिएंट एलोवेरा में पाया जाता है। इसका बाद आ रहा है एप्पल जूस, तो एप्पल जूस में क्या है, एप्पल जूस में आपको पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डायटरी फाइबर, B1, विटामिन B1, B2, B3, B6 और विटामिन सी भी पाया जाता है। ये छोड़ के भी इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक और मैंगनीज भी पाया जाता है। इसको बात आ रहा है कॉर्नबेरी, कॉर्नबेरी में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, इसको बगैर इसमें फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें मिलता है। तो ये हमारा बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हम क्यों ले रहे हूँ, कारण एक ही है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट का जो हमारा जो भोजन आ रहा है,
इससे हमारा बॉडी का जो डिमांड है पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट लेना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है जो जो बीमार हो गया जिसका मेडिसिन शुरू हो गया वो एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं ले पाएगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट उसका भी ज़रूरत है, जो अभी तक बीमार नहीं हुआ उसका भी ज़रूरत है। ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट है, हर बॉडी के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एलोवेरा नेक्टर हमारा बॉडी में क्या क्या फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट तो बोला ये लेडीज स्पेशल है, ये हमारा यूटीआई का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। ओवरी में जिसका सिस्ट होता है, जिसका जो पीरियड रेगुलर नहीं होता है, क्योंकि वो सिस्ट होने से ये रेगुलर में डिस्टर्ब हो ही जाएगा, तो जिसका पीरियड रेगुलर नहीं होता है उसका पीरियड रेगुलर हो जाएगा, जो 3-4 महीने रुक रुक के आ रहा है वो भी रेगुलर हो जाएगा, जिसका पीरियड का टाइम बहुत पेन होता है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। ये हमारा किडनी के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा देता है। हमारा किडनी एक्चुअली जो मेल किडनी है उससे लेडीज़ किडनी में, फीमेल किडनी में स्टोन ज़्यादा स्टोर होता है। इसका पीछे भी कारण है, हम वो कारण पे नहीं जा रहे हूँ, लेकिन ये नेक्टर यूज़ करने के बाद आपको किडनी का स्टोन धीरे धीरे वो गला देगा, वो हमारा जो किडनी है उसको डिटॉक्स कर देगा और प्रॉपरली काम करने के लिए हेल्प कर देगा। ये छोड़ के भी ये हमारा गट हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव कर देता है। हमारा जो गुड बैक्टीरिया है गट हेल्थ में, ये गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज कर देता है और बैड बैक्टीरिया को ये डिक्रीज कर देता है। ये जो कैंसर सेल बॉडी में है, कैंसर सेल बॉडी में फैलने नहीं देता है ये एलोवेरा नेक्टर। और क्या क्या काम करता है, ये हमारा मसूड़ी में जो प्रॉब्लम होता है, जो कैविटीज, फिर जो मसूड़ी में जो बैड बैक्टीरिया फैलता है, ये फैलने में भी ये रोकता है। ये हमारा जो हार्ट का हेल्थ में भी ये हेल्प करता है। इसमें जो कॉर्नबेरी है, कॉर्नबेरी में पॉलीफिनल नाम का एक बहुत ही पावरफुल पोषक तत्व है, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत ही हेल्पफुल है। ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये नॉर्मल रखता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को ये इंक्रीज कर देता है। ये छोड़ के भी जिसका जो लंग का इन्फेक्शन है उसको भी ये कम कर देता है, इन्फेक्शन भी कम कर देता है। जिसका अस्थमा का प्रॉब्लम है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, एक्जिमा का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर देता है। और क्या क्या करता है ये एलोवेरा नेक्टर, ये हमारा मूड को भी श्रिंक होने नहीं देता है। एलोवेरा नेक्टर और क्या क्या फ़ायदा करता है हमारा बॉडी में, जिसका इन्फ्लामेशन है, सूजन का प्रॉब्लम है, जलन का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर देता है। जिसका बातों बातों में जुकाम सर्दी लग जाता है, ये प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर देता है। जिसको फैट का प्रॉब्लम है, ये नेक्टर यूज़ करने के बाद वो मसल फैट को मेंटेन कर देता है, बॉडी फैट को कम कर देता है। ये हमारा जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल को भी ये हाई कर देता है। यही होता है एक्स्ट्रा एलोवेरा नेक्टर यूज़ करने का फ़ायदा। अभी आ रही हो, ये प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलेगा? एक्चुअली ये प्रोडक्ट आपको खुला मार्केट में नहीं मिलेगा, ये कोई ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का प्रोडक्ट है। आपको लेना है तो कंपनी में रजिस्टर होकर आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कोई एक एथिकल जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कंपनी का, उसका पास से भी आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको खोजना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप खुद रजिस्टर हो जाइए, डायरेक्ट आप घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट आधार कार्ड और पैन कार्ड का ही ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसको डिटेल्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ भी संपर्क कर सकते हैं। आप कैसे घर बैठ के ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको डिटेल्स हम बता देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक मेरा बात आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। सप्लीमेंट फूड क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, दोनों में कंफ्यूज मत कर दीजिए, क्योंकि सप्लीमेंटरी फूड मेरा हीलिंग का काम करता है और मेडिसिन जो है, मेडिसिन हमारा इमरजेंसी के लिए काम करता है। आप मेडिसिन को साथ अगर सप्लीमेंट लेना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा यही है, क्योंकि जो मेडिसिन है, मेडिसिन एक साइलेंट किलर है और सप्लीमेंट होता है एक साइलेंट हीलर। अगर आपको अंदर बॉडी में हीलिंग शुरू कर देगा तो धीरे धीरे आपको ये मेडिसिन भी डोज कम होते जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं, मेरा सजेशन यही है, आप जो मेडिसिन चल रहा है उसको साथ आप सप्लीमेंट सपोर्ट लेना भी शुरू कर दीजिए, और जिसका मेडिसिन शुरू नहीं हुआ वो भी सप्लीमेंट सपोर्ट शुरू कर दीजिए।
फ्यूचर में उसको मेडिसिन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।